तेरी छल परी तेरी छल परी एकदम बेकार बिल्कुल तुम्हारी तरह तेरी छल परी एकदम डरपोक पता नहीं कहाँ जाती है सही समय पर बिल्कुल तुम्हारी तरह हे तेरी छल परी शूरवीर महान महाशक्तिशाली बोल बिल्कुल सही कहा हो तुम भी एकदम बेकार बिल्कुल तुम्हारी तरह पता नहीं ये तेरी छल परी गई कहाँ डरपोक कहीं थी चल परी को मेरा सलाम। बेवकूफ तौबा तौबा, मैं भागी नहीं थी बल्कि पत्थर बनकर यहाँ छुपी हुई थी। दगड़ दूँ तो फिर से छुप जाए क्योंकि आने वाली है हम पे बहुत बड़ी मुसीबत। हाँ मुसीबत, कैसी मुसीबत? बालवीर नाम की मुसीबत। छल परी है, देख लिया उसने हम दोनों को यहाँ पृथ्वी लोक पे, और कई बार है पटका उसने हम दोनों को आसमान से जमीन पे। हैं? हैं? फिर दिए उसने हमें बिजली के झटके। हैं? हैं दिए? लेकिन हमने कुछ भी नहीं कहा उसे आपके इरादों के बारे में। हैं? हाँ। शाबाश कोपा कोपा। लेकिन छल परी, चलिए चलते यहाँ से भाग। चलिए रुको तौबा तौबा, डर के भाग जाने वाले गीत ना ही तो छल परी ने गाए हैं और ना ही कभी गाएगी, इसलिए तुम मेरे सुरों को सुनो और समझो। गाइए। बालवीर बच्चों को तो देख नहीं सकता लेकिन तुम्हें भी ना देखे ऐसी तरकीब निकाली है हमने। अब क्या नया सरप्राइज है सेंटा क्लॉस? अब सरप्राइज तो ये है बच्चा लोग के अब हम जाएगा। अरे क्यों बस? ये हमारे लिए सरप्राइज नहीं, शौक है सेंटा क्लॉस। हाँ। मत जाओ ना, प्लीज प्लीज मत जाओ ना, प्लीज मत जाओ ना, प्लीज मत जाओ ना, प्लीज मत जाओ ना। कम देखो बच्चा लोग, तुम सबको तुम्हारा मनपसंद गिफ्ट और चॉकलेट हमने दिया। दुनिया में बहुत सारा बच्चा लोग है जिनको हमको चॉकलेट्स और गिफ्ट देना है, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा। पर पार्टी अभी खत्म नहीं हुआ है, हम रात को फिर से आएगा 12 बजे तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाने। थैंक यू सेंटा क्लॉस इस पार्टी को यादगार और शानदार बनाने के लिए। हाँ। आपकी वजह से ये स्पेशल क्रिसमस हम कभी नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू बालवीर, थैंक यू, तुमने सबसे किया हुआ वादा निभाया और सेंटा क्लॉस को हम सबसे मिलवाया। आप सब बच्चे खुश है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई नहीं। तो बालवीर हम चले? एक मिनट सेंटा क्लॉस, निमित मानो मेहर कहाँ है? खेल रहे होंगे यहीं कहीं। पर काफी देर से दिखाई क्यों नहीं दिए? बालवीर हमको अर्थ का राउंड राउंड घूम के बच्चा लोग को गिफ्ट देना है, चलो हमको लेट हो रहा है। ठीक है चलिए सेंटा क्लॉस। ओके बाय बच्चा लोग। बालवीर, 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 बालवीर! बालवीर तो चला गया, अब हमें गिफ्ट कौन देगा? तुझे गिफ्ट की पड़ी है, हमें बचाएगा कौन? हाँ, अब हम बड़े कैसे होंगे? चलो। मैंने नहीं,
भयंकर परी ने निकाली है ये तरकीब। अरे तो वो है कौन सी महासमझदार, आपसे भी बेकार, एकदम डरपोक, पता नहीं कहाँ छुप के बैठी है अपने बिल में। जो कहो। दिल में है? हाँ, कह रहा हूँ मैं सच, है बहुत बड़ा उनका दिल। अरे बड़े से बड़े दुश्मन भी जाते हैं उनके सामने हिल। और छलपरी पता नहीं कहाँ गई आपको वो मिल। अरे परी भयंकर, आपका भाई। मैं अभी 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 कर रहा था आपकी बुराई, तारीफ है, तारीफ के पुल बांध रहा था मैं आपके, और तारीफ करते करते पता ही नहीं चला कि आप कब आई पति भयंकर। क्षमा कर दीजिए मुझे माफ। अब भयंकर परी तुम पर ऐसा जादू करेगी कि बालवीर तो क्या, कोई भी परी या कोई भी इंसान तुम्हें देख नहीं पाएगा। सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने हमारी जादुई चॉकलेट खाई वो ही तुम्हें देख पाएंगे। दगड़ दुम, अब हम आराम से बच्चों को ढूंढ सकेंगे। अब भयंकर परी तुम्हें ऐसा यंत्र देगी जिससे तुम छोटे हुए बच्चों को आराम से ढूंढ पाओगे। अपने हाथ आगे करो। ये लीजिए। अब जाओ और छोटे हुए बच्चों को मेरे पास लेकर आओ, और हाँ संभल कर लाना, क्योंकि इस पर अगर तुम खाली हाथ आए तो क्रोध का ऐसा गीत गाऊंगी कि। समझ गए। चल 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 चल। आजा, बैठ इधर। इस कुर्सी पे चुपचाप बैठ, चुपचाप हारो की। तेरी वजह से बॉस पहले से बहुत ज्यादा परेशान है। अब तूने कुछ किया, अब अगर तूने कुछ किया ना, मेरी नौकरी चली जाएगी। महेश बाबू, हाँ, वो तो जाने ही वाले। हाँ, देख क्या? वेरी गुड। क्या वेरी गुड? नहीं नहीं, मेरा मतलब वेरी गुड जो आप मुझे सब कुछ पहले से समझा दिया। अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, यहाँ पे चुपचाप बैठूंगा। नाश्ता। तेरे लिए नहीं है ये, यहाँ एक अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है, ये उनके लिए है। तू एक काम कर, मीटिंग शुरू हो उसके पहले तू इस नाश्ते का ध्यान रख। हाँ, एक मक्खी भी इसके ऊपर बैठनी नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ मोटा भाई, एक मक्खी इस पे क्या इस रूम में ही नहीं आ पाएगी। आई सर, आई यही। अरे रॉकी, वो क्यों ने? अच्छा, ठीक है, तुम बाहर। कहाँ जा रहे? चिपक के यहाँ चुपचाप खड़ा रहे, चुप। टर्न टू आर मीटिंग एजेंडा। हमारी कंपनी आप सबका यहाँ स्वागत करती है, और आज के एजेंडे में दो मुख्य पॉइंट्स हैं जो इस मक्खी की इतनी हिम्मत कि मोटा भाई के मना करने के बाद भी ये यहाँ आ गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और यहाँ से भगा के रहूंगा। और रेड्स, सॉरी, क्या कर रहा तू? सॉरी, ये क्या मतलब?
रॉकी क्या कर रहे तू? मोटा भाई शांत रहो नहीं तो मक्खी उड़ जाएगी। कौन सी भाई? अरे मैंने कहा था मिस्टर अग्रवाल वीक लगाते। शुक्ला अग्रवाल को छोड़ रॉकी को रोक रोक उसे रुक 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 क्या कर रहा है रॉकी रॉकी सॉरी अरे महेश ये क्या चल रहा है? सॉरी सॉरी मक्खी कहाँ गई? सॉरी 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 सर सॉरी सॉरी बेबी अरे रॉकी क्या कर रहा है चल लेकिन मक्खी कहाँ गई? मिल गई। अब दिखेंगे वो बच्चे बड़े बड़े। मैं बालवीर तो चला गया लेकिन मुसीबत तो हमारी तरफ आ रही है ना। कहाँ है बच्चे? कहाँ है बच्चे? मेरी जेब पे तो निकालो। देखो तुम्हारा तुम्हारा आंखों से मस्ती नहीं है। अरे है नहीं बच्चे मेरी जेब पे चलो आगे। अरे पीछे नहीं आगे। आंखें अब क्या होगा मैं? ये तो हमें पकड़ लेंगे। हाँ लेकिन ये डरने का नहीं दिमाग लगाने का टाइम है। फिर मैंने दिमाग लगा दौड़ना भी शुरू कर दिया। हाँ हमें भी दौड़ना चाहिए लेकिन अलग अलग ताकि ये मैं पकड़ ना पाए। राइट मैं लग जाऊंगा। अरे चलना चल। तोबा तोबा तुम्हारा पहला शिकार मिल गया। आ देखो मानो अब जाओगी बच के कहा तुम? मैं देखता हूँ आसपास कोई खतरा तो नहीं है। बालवीर अरे कह रहा था मैं ये कह परी भयंकर का जादू हम पे इसलिए नहीं देख सकता बालवीर हमें है नहीं कोई खतरा हमें। अब जाओगे बच के कहा तुम मानो? कोई नहीं था फिर मैं टकराया किससे? मतलब ये तो अजीब से इंसान सर को नहीं दिख रहे बल्कि सिर्फ हमें दिख रहे हैं। अरे मारी किसने टक्कर मुझे? है कौन वो? दगड़ दुम शुक्र करो सिर्फ टक्कर लगी है वरना हमेशा थप्पड़ लगता है। दगड़ दुम दगड़ दुम दगड़ दुम मेरा चश्मा। ओ है कि तुमने हिम्मत तोबा तोबा जी से टकराने की प्रधान श्री श्री तोबा तोबा जी से टकराने की। कोई बात नहीं है देख टक्कर के बदले में मिलेगी टक्कर इतनी टक्कर के आ जाएंगे तुम्हें चक्कर। दगड़ दूं बेकार में क्यों चिल्ला रहा है
तोबा भूल गया, भयंकर परी और छल परी ने क्या कहा था? जिन बच्चों ने चॉकलेट खाई है बस उन्हें, उनके अलावा ना हम किसी को दिखाई देंगे ना सुनाई देंगे। सर एक मिनट, यहाँ पे आपका चश्मा। सर यहाँ मानव है। सर एक मिनट, यहाँ पे आपका चश्मा। सर यहाँ मानव है। अरे जो है यहाँ पे तुम हो, दीक्षा है, राहुल है, मानव कहाँ से आएगा? नहीं सर, यहाँ देखिए। दिखाओ। ये देखिए। सर। मानव। ये तो सही में मानव है। सर आप मुझे बचाइए ना। पर इतना छोटा कैसे हो गया? मानव तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर आप थोड़ा धीरे बोलिए। मानव क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, जोर से बोलो जोर से। सर मुझे बचाइए ना। सर लगता है इसे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। एक काम करो, मेरे हाथ पे आ जाओ। हाँ सर। मेरे हाथ पे आ जाओ। हाँ आराम से सीधे खड़े रहना। ये बताओ कि तुम इतने छोटे कैसे हो गए? कुछ नहीं सुन रहा है। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। देख के गिरना मत बेटा, सीधे खड़े रहो। अरे अरे अब क्यों रोका मुझे? ये वो दो अजीब से दिखने वाले इंसान अभी भी इधर है, हम दोनों को पकड़ लेंगे। मतलब टाइम ही खराब है। नहीं टाइम खराब नहीं है, टाइम बहुत अच्छा है। वो कैसे? ऐसे कि मानव सर को सब कुछ बता देगा, फिर सर हमें ढूंढने आ जाएंगे, फिर हम भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएगा। इतनी मुश्किल से एक बच्चा हाथ लगाता वो भी निकल गया। चलो अब दूसरे बच्चों को पकड़ते। ये पहले ये सोच कि कहेंगे कैसे छल परी को कि है पकड़ लिया उस शिक्षक ने मानव को। अच्छा तो मक्खी तुम अंकल की नाक पे जाके बैठी हो। अंकल आप प्लीज हिलना मत, मैं अभी आता हूँ। महेश ये तुम्हारा रॉकी क्या करने वाला है? हिलना मत। महेश ये क्या कर रहा है? रॉकी रुक जा। नहीं मैं नहीं रुकूंगा, या तो आज ये मक्खी रहेगी या तो फिर मैं रहूंगा। भाई तू रहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी ये नौकरी नहीं रहेगी। रुकी मेरे बच्चा, रुक जा, रुक जा, रुक 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 मत। रुकी रुक, रुकी नहीं रुकी। महेश महेश महेश, ये सबके लिए तुम जिम्मेदार हो। ये रॉकी नाम का मंकी तुम लेकर आए थे ना? सर लेकिन ओ नो। क्या हुआ? सर मंकी आपके सर पर बैठी है। ओ माय गॉड। राहुल सर, मैम कोई सुन रहा है? सर मैं अकेले छोटा नहीं हुआ, महर कुकी और निमित भी छोटे हो गए, वो बाहर है, उन्हें भी ढूंढिए। आपको कुछ सुनाई दे रहा है सर? कुछ समझ नहीं आ रहा। मानव बेटा जोर से बोलो जोर से। सर आप थोड़ा धीरे बोलिए, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है।
कुछ कह तो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है। एक आइडिया सर। क्या? हमें बालवीर को बुलाना चाहिए। हाँ, बुलाओ बुलाओ। राइट, वो ही मानव की आवाज सुन पाएगा, बुलाओ उसको जल्दी से। बालवीर, 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 बालवीर। हाँ बोलो बच्चों। बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पता नहीं मानव कैसे उंगली जितना छोटा हो गया। क्या?